जिन बाबा की साधना, मित्रों ये साधना मात्र आपको ज्ञान वृद्धि के लिए दी जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आपका आपके इष्ट देव पर विश्वास है तो ऐसी साधना आपके किसी काम की नहीं। श्री कृष्ण जी ने भी गीता जी में स्पष्ट रूप से ऐसी साधना को करने से मना किया है। यह मात्र अघोर पंथ के साधकों के लिए है। सनातन संस्कृति से जुड़े हुए भक्त इससे दूर रहे। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मित्रों आज आपको रूबरू करवाएंगे जिन और जिन्नातों के विषय में। दोस्तों जिन कई प्रकार के और कई तरह के होते हैं। खास करके इस्लामिक तंत्र में अक्सर देखा गया है कि वो सबसे ज्यादा प्रयोगों में जिन्नातों का इस्तेमाल करके अपने कहे हुए कामों को बखूबी करते हैं और जिन हर वो कार्य करता है जो उसे कहा जाए। जिन भी पाक और नापाक दोनों प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार परिया और हूर होती हैं, ठीक वैसे से ही जिन भी कार्यरत होते हैं। उनकी खासियत पलक झपकते हैं किसी भी कार्य को आसानी करके आना। उनमें मुख्यतः पाक जिन अच्छे कार्य करते हैं और नापाक जिन बुरे कार्यों को अंजाम देते हैं। मगर ये सब जिन जिनके अंतर्गत आते हैं वो सब अल्लाह के लिए दुआ पढ़ लेते हैं और उनके अल्लाह से डरते भी हैं। मगर कुछ जिन बहुत ही बेशर्म किस्म के होते हैं जिनको किसी अल्लाह या भगवान का खौफ नहीं होता। वो नापाक जिन व्यक्ति को परेशान करते हैं। मित्रों एक बात बता देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जैसी भावना रख कर कार्य करेगा उसके साथ भी कुदरत वैसा ही कार्य करेगी। किसी का अहित सोचोगे तो तुम्हारा अहित निश्चित तय हो जाता है। किसी संत ने कहा है, कर भला तो हो भला और भले का अंत ही है भला। चलिए मित्रों जान लेते हैं इस बाबा जिन की साधना के बारे में। जिन्नों के बारे में जानकारी मिलती है कि जिन्नों की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने इर्द गिर्द होते हुए भी आम इंसान जिन्नों को नहीं पहचान पाते। सूफी किस्म के जिन भी होते हैं जो पीर बाबा का रूप धारण करके अपने साधक को दर्शन देते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके हर काम करते हैं, उनकी हर कामना पूर्ण करते हैं। आज यहाँ पर जो जिन बाबा का मंत्र दिया जा रहा है वो हमारे एक परम मित्र के माध्यम से प्राप्त हुआ है जो जिन्नों के साधना में रुचि रखते हैं। उनके फरमाइश पर साधकों के लिए यह मंत्र प्रकाशित कर रहे हैं। जिन मंत्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीमुल फताहो। नंबरी अलिमनी विसीत की बसाओ अति विधि। इस जिन मंत्र को विस्तार विधि के साथ करे। शुभ मुहूर्त नौ चंदी का मुहूर्त देखे। असली लोबान की धुनी देहात से बनी बखुरियत इस्तेमाल में लाए। काले गुलाब का फूल, ईतर, चमेली का अर्क, केमिकल का इत्र नहीं चलेगा। प्रयोग में लाए निर्मल जल पता से सिरनी भोग के लिए रखे। इस साधना को सिद्ध आसन और गुरु द्वारा सिद्ध की हुई तस्बीह से 1333 दफा रोजाना तय समय पर ही जप करें। ऐसा आपको 41 दिन तक साधना करें। विशेष बात, इस मंत्र को गुरु की अनुमति लेकर उनका आशीर्वाद लेकर ही शुरुआत करें। अगर ऐसा नहीं करते हो तो इसके हानि के जिम्मेदार साधक खुद ही होंगे। गुरु के निर्देश में रहकर साधना करें, आपके लिए हितकारी रहेगा। हमारी कोशिश रहती है कि बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको दें। आप यदि सहयोग प्रदान करें तो हम चैनल को सफलता की शिखर पर ले जा सकते हैं। बस आप हमें बताएं कैसी जानकारी आप चाहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना भूलें।